मिशन स्कूल में लगातार ही अपनी सेवाओं के माध्यम से पूरे जिले में चर्चित रहने वाले श्री कपिल कुमार खरे सेवानिवृत्त हो गए हैं और उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात उनको भावभीनी विदाई दी गई। मिशन स्कूल में उन्हें विदाई समारोह करके उनकी सेवानिवृत्ति पर उन्हें उनके आगामी जीवन के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। मेहनत और कला से सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे मोती बिखेरे हैं, पैदा किए हैं, नई नई प्रतिभाएं उभारी हैं जो डॉक्टरी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, वकीलों के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र चहुंमुखी क्षेत्रों में उन्होंने अपना देश का नाम रोशन किया। ऐसा व्यक्तित्व तो कपिल सर हमारे बीच में जो है जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनकी सेवानिवृत्ति पर आज हम खुश भी हैं और दुखी भी। खुश इसलिए कि उन्होंने ऐसे ऐसे मोती तैयार किए, ऐसी ऐसी प्रतिभाएं तैयार की अपनी लगन और मेहनत से। जो मेहनत करना सबके बस की बात नहीं होती है और जो कि इसलिए है कि हम उनसे लड़ते थे, झगड़ते थे, उनसे विचारों का आदान प्रदान करते थे, उनसे हमें ज्ञान भी मिलता था, इसलिए हमारे दुखी है कि अब हमें वो चीज नहीं मिल पाएगी। तो निभाना ये आम बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं होती है, इसके लिए बहुत तपस्या, त्याग और मेहनत की आवश्यकता। दो मिनट थे और बैठे ना नहीं रहे, करवा के निकले। तो आप अपने कर्म करते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। हमने तो 2010 के बाद थोड़ी परेशानियां भी होगी क्योंकि 9th क्लास किसी दूसरे को दे दी गई, हम 10th क्लास में आ गए। 9th क्लास वाला प्रत्येक टीचर जो 9th क्लास पढ़ा रहा 10th में आ गए, हम मान लो 2500 में पढ़ा रहे, ठीक है, जाते हम 2000 में पढ़ा रहे, तो हमारे पास लड़के नहीं आए, आज भी लड़के नहीं है। 9th क्लास वाले सर है इनके पास लड़के हैं, 10वीं वाले लड़के भी इनके पास, हमारे पास नहीं। लेकिन हमने किसी को कभी कोई चीज बोली भी नहीं, ना हमने कभी मैडम से बोला कि हमारे पास लड़के ही नहीं आते, और जो आते हैं वो पैसा नहीं दे रहे, हमें हथना मंगाना पड़ता। अभी जाने के बाद भी हम कभी कभी आएंगे, लड़का मिलेंगे तो पैसे चाहिए हम लोग तो पैसा तीनों की हमें ना दिया, पैसा कोई नहीं दे रहा, लगभग 30 लाख रुपए उधार हो, जितना पढ़ाया है उसका 25% मिला है, 75% लेकिन उसके बाद भी खुश रहे। उसके बाद भी जेब से ही हमने, जैसा आपने बताया कि हमने पापेस वगैरह पापेस का छोड़ दिया, हमने गाड़ी में चॉकलेट रखी रहती है, ठीक है, और वो सब खिलाए, आज भी खिलाए, और अपनी टीम जब भी खेलेगी हम वहां होंगे तो वो वहीं से खाएंगे, ये भी गारंटी। लेकिन हमें मालूम पड़ जाए कि हमारी टीम खेल रही है, ठीक है, तो अपन उसको जब भी खिलाए, समय रहता है, 40 साल का हो गया, विदा होना अच्छा नहीं लगता। ये बच्चियां बैठी हैं 1 2 3 4 कभी ने कभी देखा होने है, असुआ भी आते हैं, लेकिन क्या कर सकते, ध्यान तो है, इस एक घर को छोड़ के दूसरे घर जाना, और बच्चियों के लिए तो दूसरा घर ही अपना घर होगा। आज हमारे बहू आए, ये भी दूसरे घर से आए, और हमें वास्तव में लगता है कि हमें सरस्वती के साथ लक्ष्मी भी मिली, तो हमारे पास दोनों चीज आ गई, सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है, और हमने रूढ़ी भी नहीं, और प्रयत्न भी नहीं किया, और मिलने के अपने आप शादी हो गई, अच्छे से शादी हो गई, लेकिन 1.5 साल की शादी शादी तो अपन को 1.5 साल पहले करना थी, 1.5 साल बाद में शादी हो गई। स्कूल में एक एक दो दो पीरियड पढ़ाइए, अपने प्रियो समय कैसे कटेगा, समय तो काट, हम घर में बैठ के समय नहीं काट सकते, ठीक है। तो आप लोगों के साथ अगर कोई के साथ कभी हमने बुरा बोला हो, कोई से कुछ कहा हो गलत, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। वैसे हमने गलत नहीं कहा, साहू जी का है गलत कहा, क्योंकि वो उनकी राजनीतिक सोच अलग थी, हमारी राजनीतिक सोच अलग थी,
वेरावल गांधी को मानते हैं, हम अटल बिहारी वाजपेयी को मानते हैं, नहीं मोदी जी को मानते हैं, अटल बिहारी अटल बिहारी के कम से कम ठीक है। तो ऐसी सोच बदल जाती है कभी कभार, अच्छी नहीं लगती लेकिन बदलना है, सोच हमेशा साथ में नहीं। हम तो राहुल गांधी को आज भी अच्छा नहीं मानते, करो कुछ कर, लेकिन ये सोच अगर आपको खराब लगे हमारी बाबा जी सोच, उसके लिए हमने माफी मांग ली आपसे, न्याय दे रहे हो तो हम ही नहीं दे, और उसके बाद माफा कर ले। हम अपने ऐसे जैसे अपने 40 साल जैसे घूमते रहे, रात को 2 बजे भी शुक्ला सर है जिनको इम्कान तक रहे, हम मैच देख रहे होंगे रात में स्टेडियम में, तहसील ग्राउंड में, ऐसा कोई ग्राउंड नहीं जहां पर हमने वो काम किया ना, वो रात रात का मैच चले 3-3 बजे तक, हमारे पुत्र भी हमारे साथ में जाते थे, वे भी देखते थे, उस समय छोटे छोटे थे, आज बड़े बड़े हो गए, समय निश्चित रूप में आगे बढ़ता है, आपको आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा, और एक दिन अपन को इस दुनिया को त्याग के दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा, अभी तो मैंने 40 साल त्याग के बिना पड़ गए, एक दिन वहां भी जाना पड़ेगा जहां जवाना नहीं चाहते, कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन जाना वो सब सबसे बड़ा सत्य तो वही गर्राट सत्य है कि एक तक भी धरे रहे, ठीक है ना, तो सबसे बड़ा सत्य है, इसलिए भी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपका कोई औरन को शीतल करे आप शीतल हो। आप लोग आजकल के सब लोग ऐसे ऐसा बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलिए जब के झगड़ा हो, ऐसे से मत बोलिए जो अपन से झगड़ा हो, काम आप मान ले, ठीक है, अच्छी वाणी बोलो, अच्छे से रहो, अच्छा पढ़ाओ और आगे बढ़ो निश्चित रूप में। लेकिन जो आज वर्तमान समय चल रहा है, हमारे सदस्य बंधु बैठे जो वर्तमान के थोड़ी थोड़ी कम आए हैं, वो आए उचित नहीं लगती, लेकिन क्या कर सकते, विद्यालय में नहीं आएगी तो देंगे कहाँ,